जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड के अंदर। आपको बता दें जिस तरीके से दो नई पिच का इफ्तिताह किया गया है, इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर आईएएस डॉक्टर देवांश यादव ने शिरकत की है। इन दोनों क्रिकेटरों को आपको बता दें कि क्रिकेट पिचों की तामीर जिला इंतजामिया के जरिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी ने कराई है और इसकी कयादत किश्तवाड़ जिला यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स की देखभाल में की गई है और आपको बता दें आर एंड बी डिपार्टमेंट के जरिए इसे फाइनल किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी का शानदार इस्तकबाल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर्स खैराती लाल शर्मा और स्पोर्ट्स एम्प्लॉयज ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए खैराती लाल शर्मा ने डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि डिप्टी कमिश्नर की आमद से यहां के तलबा और खिलाड़ियों को हौसला मिलेगा। इस मौके पर किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किश्तवाड़ के जवानों में खेल के लामहदूद सलाहियत है और इन खेल सहूलियात की वजह से ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत को निखारने का मजीद मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक जिले भर में इंडोर स्टेडियम के अलावा 50 ऐसी टर्फ पिचें बनाई जाएंगी जो पहाड़ी इलाकों में जवानों की खेल की सलाहियत को बढ़ाने के लिए बेहद अहम हो सकती हैं। किश्तवाड़ में हम लोगों ने दो क्रिकेट पिचेस को इनॉग्रेट किया है। सबसे पहले तो जीडीसी की प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद देंगे जिन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स एंड पीडब्ल्यूडी आरएनबी का जिन्होंने इसको टाइमली कंप्लीट किया। हमारे पास क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे पास प्लेयर्स तो बहुत है क्रिकेट के लेकिन उनको उस लेवल तक लेके जाना जिसमें कि वो यूटी या नेशनल लेवल तक खेले वो कम है। उसके लिए अभी ये जो पिचेस डेवलप हो रही हैं एक आपकी सीमेंट कंक्रीट पिच है और एक आपकी प्रोफेशनल क्रिकेट टर्फ पिच है। ये दोनों अगर डेवलप हो जाती हैं इसके अलावा बाकी जगहों पर भी जो पिचेस बन रही हैं तो जो हमारे यूथ प्रैक्टिस करते हैं वो असली प्रैक्टिस कर पाएंगे ताकि वो जब बाहर जाएँ टूर्नामेंट्स में जाएँ तो वो सक्सेसफुल हो सके। मैं डीसी साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस टर्फ के लिए ताकि हम अच्छे से खेल सकें और हमें प्रोफेशनली एक अच्छी सी पिच मिले। मैं डीसी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये पिच खेलने के लिए दी जिससे हमारा फ्यूचर ठीक रहेगा जिससे हम आगे खेलने के लिए जाएँ।